ओसी ओसी विश कर रहा है सबको। हाँ हेलो नमस्ते सलाम, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं हूं अभिषेक सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्म इट अप। तो फर्स्टली टू ऑल द वुमेन एंड गर्ल्स वाचिंग दिस, अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू यू गाइस। एक्चुअली बिलेटेड हैप्पी वुमेन्स डे, क्योंकि ये वीडियो मैं एक दिन बाद डालूंगा और वुमेन्स डे आज है। तो मैं सोच रहा था ऐसे ही मम्मी को एक छोटा सा सरप्राइज दे दूं। एक्चुअली मैं बताऊं मैंने क्या किया है, मैंने अब तक मम्मी को विश नहीं किया है वुमेन्स डे। अराउंड दोपहर हो गया है अभी, ऑब्वियसली मम्मी एक्सपेक्ट कर रहे रहेंगे कि मैं विश करूंगा, और मैंने ऐसा बोल रही है कि मुझे याद नहीं है वुमेन्स डे। तो मम्मी बोलते ना थोड़ा सा ऐसा चिड़े हुए उस चीज़ को लेके। मैं ऐसे उनको एक सरप्राइज देने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, केक लाऊंगा और गिफ्ट लाऊंगा उनके लिए रात को। तो मैंने इसलिए कहा कि चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं, मम्मी को बताया नहीं अब तक मैंने, विश नहीं किया अब तक मैंने। तो बस मैं अभी थोड़े टाइम में जाऊंगा गिफ्ट लेने, और अभी वापस एज यूजुअल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या गिफ्ट लूँ मम्मी के लिए, मम्मी को क्या दूँ। क्योंकि बोलते हैं ना औरतों के लिए गिफ्ट लेना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी चॉइस और ये सब बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और कंपैरेटिवली मैं जब शॉपिंग भी करता हूँ, गिफ्ट भी लेता हूँ, मैं उसमें कहूँ जैसे एक देख लिया, हाँ ये मिल गया, लो निकलो। मेरे को ज़्यादा वो बोलते हैं ना चूज़ करने में मेरे को बहुत डिफिकल्टीज होती है, बहुत ऑप्शन जब रहते हैं ना तो मेरे को चूज़ करना मेरे को समझ में नहीं आता है क्या लेना। तो ये एक टास्क अपने में ही है। तो बस मम्मी के लिए भी गिफ्ट लूँगा, और आई होप कि जो भी लड़के ये देख रहे हैं आप लोग ने भी कुछ ना कुछ किया रहेगा अपने स्पेशल वुमेंस के लिए, अपने अराउंड जो भी आपके फ्रेंड हो गए, मॉम हो गए, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, जो भी आपके अराउंड वुमेन है जो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं ऑब्वियसली सबके लिए। तो आप लोग ने भी किया रहेगा, अगर नहीं किया रहेगा एटलीस्ट अब कर दीजिए, रिलेटेड ही सही उनको विश कर दीजिए, कुछ छोटा सा उनके लिए केक ले आइए या गिफ्ट ले आइए, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। और बस एक दिन ही क्यों, पूरे 365 डेज उनके साथ होते ना अच्छे से रहना चाहिए, और उन्हें स्पेशल फील करानी चाहिए टाइम टू टाइम हमें, जो भी हमारे लाइफ में स्पेशल वुमेन्स हैं, जो जिनके वजह से एज अ मैन हम बहुत डेवलप होते हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो बस ज्ञान बहुत हो गया है, मुझे अभी लेट हो रहा है, तो मैं फटाफट किसी आजू बाजू मॉल चला जाऊंगा और उधर से मम्मी के लिए कुछ खरीद लूंगा, उसमें टाइम जाएगा फॉर श्योर मेरे को पता है। और अभी तब तक मैं जाते हुए ज्यादा टाइम सोचता भी रहूंगा कि क्या ले लूं, और फिर शायद से बहन और मासी के लिए भी कुछ गिफ्ट ले लूंगा, ऑब्वियसली सबके लिए जो भी खास है उनके लिए तो लेना ही पड़ेगा, और फिर एक केक लाके छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे मम्मी इन लोग के साथ। तो चलिए फटाफट पहले मैं गिफ्ट लेने निकलता हूँ। तो ट्रेंड से मैंने बहन के लिए ले लिया है, और अभी मैं सेंट्रल जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी और मासी के लिए कुछ मिला नहीं मुझे इधर अच्छा, तो अभी सेंट्रल जाएंगे उधर चेक करेंगे। हेलो यार क्या कर रहे हो यार, जल्दी से छुट्टी करवा दो यार, पार्टी शार्टी करेंगे जल्दी। और अभी हम सेंट्रल में हैं, और इधर और प्रॉब्लम ये कि इधर कुछ ज़्यादा ही ऑप्शंस है, तो अब तो मैं पूरा कंफ्यूज हो गया कि क्या लूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ऑप्शन है, तो लगता है अच्छा खासा टाइम जाने वाला है इधर। तो मम्मी के लिए मैंने ले लिया है कुर्ता लिया है थोड़ा इंडो वेस्टर्न टाइप का, और अब बस मासी के लिए गिफ्ट लेना बाकी है, फिर हो जाएगा हमारा शॉपिंग डे पूरा कंप्लीट। मासी के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ, क्योंकि उनकी पसंद भी नहीं पता ज़्यादा, और मासी को क्या गिफ्ट देते मेरे को वो भी नहीं पता, इसको भी नहीं पता था ये देखो। तो अभी मैंने एक बैग देखा था रिलायंस में फ्रेंड्स में, तो मैं सोच रहा हूँ वही जाके ले लेता हूँ और मासी को गिफ्ट दे दूँगा। तो मैं फाइनली एक बैग ले लिया हूँ मासी के लिए, और बस अभी गिफ्ट रैप लेंगे और इसको गिफ्ट पैक करेंगे। तो मैं घर आ चुका हूँ, अभी शॉपिंग हो चुकी है मेरी, मैंने सबके लिए गिफ्ट ले लिया है, पेपर ले लिया रैपिंग पेपर, और अब मैं उसको बैठ के रैप करूंगा। और चलिए उसके पहले दिखा देता हूँ मैं आप सभी को मैंने क्या लिया है सबके लिए। तो ये मैंने लिया है प्रिंसी के लिए नॉर्मल कुर्ता, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा था, और मैंने मासी के लिए वाला बैग लिया है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ मासी के लिए। और मम्मी के लिए मैंने ये कुर्ता लिया है, मुझे बहुत ही इंडो वेस्टर्न टाइप लगा, बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने मम्मी के लिए ये लिया। सो आई एम होपिंग कि तीनों लोग को ये गिफ्ट अच्छा लगे, और अभी मैं फटाफट इसको रैप करते हैं फिर नीचे जाऊँगा केक लेने, केक लेके आके बिल्डिंग के नीचे ये शॉप, तो केक वहाँ से ले आऊँगा और फिर वेट करेंगे उनका कि जैसे ही आए एक छोटा सा सरप्राइज टाइप उनको दे, और फिर केक कट करते हैं। तो मैंने गिफ्ट रैप कर दिया है प्रेजेंट्स को, आई नो अच्छे से नहीं हुआ, जैसे तैसे हुआ, चलता है अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद कुछ गिफ्ट रैप किया है, आई होप कि उन लोगों को गिफ्ट पसंद आ जाए। एंड मेन मेरा टेंशन ये है कि साइज़ सही हो, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इतना आइडिया नहीं था साइज़ का, तो बस होपिंग कि साइज़ परफेक्ट हो या फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो, ज़्यादा इशू ना हो। और अभी बस केक लेने जाऊँगा और फिर वेट कर रहा हूँ मॉम का, जैसे ही वो आएंगे केक कट कर लेंगे हम लोग। और ये देखिए ये भाई इधर सो रहे हैं। ओसी ओसी उठ जा,
उठ जाओ मम्मी आ गए। नहीं है। और से तुम क्या दे रहे हो मम्मी को? मम्मी को विश किया? मम्मी के लिए गिफ्ट लाया कि नहीं भाई? तो मम्मी का वेट चल रहा है अभी, मम्मी रिक्शे में आ रहे हैं और मासी और अंकल आ चुके हैं। और ये देखिए ये मिले, ये मेरी छोटी मासी है और ये मौसा जी है मेरे। जय श्री कृष्ण। और ये देखिए इनसे तो आप मिल ही गए। ऑफ कोर्स। ये आप बोलते ना बहुत बड़बड़ करती है, ये भी आ गई है। उनको आज बड़बड़ करने के लिए। आज तो चलो, आज तो मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगा। आज वुमेंस डे है, जैसे मैं यूजुअली 365 डेज सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत अच्छे से ट्रीट करता हूँ सभी को। मैं रिस्पेक्ट तो इसकी करता हूँ, इसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता। बस आज एक दिन अच्छे से ट्रीट करूंगा, कल से वापस बैक टू नॉर्मल। तो ज्यादा खुश मत होना तुम। चलेगा, एक दिन तो अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। निकलो। और ये देखिए मम्मी भी आ चुकी है। लेट कर दियो। क्यों? देखो सब लोग बैठे, पा बैठे कब से, राम अंकल बैठे हैं, प्रिंसी खड़ी है और इसको देखो। अरे पहले इनसे मिल लो। बाबू मेरा खड़ा है। काट ला। तो मम्मी हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। मम्मी को ऐसा लग रहा था कि मैं भूल गया हूँ। हाँ। मैं इसलिए विश नहीं किया, मैं ऐसे सरप्राइज एक छोटा सा रखा था, तो केक लाया, केक कट करते हैं। हाँ, केक भी है इसलिए ये लोग यहाँ पे। हाँ। ऐसा। हाँ। ओसी भी मेरा केक खाएगा, बाबू उठ जाओ। तो फटाफट केक कट करते हैं सब लोग। प्रीति प्रिंसी क्या खाओगे तुम? ये। तुम सब खाती हो, कितना खाती हो? शाटा में बहुत थोड़ा खाती हूँ। हाँ नहीं तो जेलस। राम अंकल ये थोड़ा खाती है। हाँ अब तो आप साइड दोगे ही। आज हाँ एकदम मेरे जैसा कि एक दिन नहीं तो कल तुम्हारा बताएंगे। मैं नहीं खाती ज़्यादा, आप मत सुनिए लोगों की बातें, लोग पागल हैं, मत सुनिए, आप मेरी बात। तुम पागल हो। टॉम एंड जेरी हैं ये। टॉम में जेरी, जेरी हमेशा जीतता है, आपको भी पता है। निकलो चलो बिल में जाओ अपने। फिर चुप रहो, जाओ जाओ बिल ढूंढो। कहाँ है तुम्हारा बिल? वो अभी बहुत दूर है, चली जाऊंगी। ओसी 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 विश कर रहा है सबको। हाँ हो गया हो गया। चलो तो हैप्पी वुमेन्स डे, केक कट कर लो। बस कितना काट रहे हो तुम? मौसी को खिलाओ सब। बाबू जल्दी आओ। हाँ हाँ बहुत मेकअप करती है। Yes, finally. खाओ तुम, चेप ही तो रही हो तब से। थोड़ा खाई हो, देखो अभी भी मुंह पूरा भरा है पूरा। थोड़ा चाहिए। ये लो मम्मी, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। थैंक यू, गिफ्ट है। देखो तो मेरा बेटा मेरे लिए क्या लेके आया आज। ये माँ के लिए सबसे अच्छा दिन रहता है जब बेटे उनको उनके लिए कुछ करते हैं। नाइस गिफ्ट और नाइस चॉइस मेरे बेटे का, कितना अच्छा चॉइस है। बेटा ही मेरा इतना अच्छा है तो गिफ्ट भी मेरा बहुत अच्छा होगा। ये देखिए नाइस। ए सच्ची प्रिटी है। देखो कितना प्रिटी है, कितना सुंदर नाइस कलर। और मैंने मासी को भी गिफ्ट दिया था मगर शायद से क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई उसकी। टी-शर्ट और साड़ी वाला कुर्ता। छोटा सा एक सेलिब्रेशन बोल सकते या फिर सेलिब्रेशन नहीं जो भी था छोटा सा यही था। और प्रिंसेस जरा तो तुम क्या बोलना चाहोगी सबको? अब मैं यही बोलूंगी, बोलो जो भी बोलो। To all the women out there, a very, very, very happy Women's Day.
बस अब निकलो फटाफट, दफाओ। हम तुमको लास्ट वीडियो में दफाओ बोले, सब बोल रहे बहुत बदतमीजी से तुमसे हम बात करते तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं ऐसे ही करता हूं इससे बात। अरे हम लोग का बॉन्डिंग वैसा है, तो शायद से आपके लिए लग रहा होगा आपको कि इंसल्टिंग वे में मैं बात करता हूँ, मगर मैं कितने साल से, मैं बचपन से ऐसे बात कर रहा हूँ और मैं आगे भी हमेशा ऐसे ही बात करूंगा। तुमको अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत दफा हो यहाँ से। और मुझे इसी चीज की आदत है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो भाई बहन का ऐसे ही बॉन्ड होता है, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव हिम। और मैंने आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़े, आप लोगों ने इतने अच्छे से कमेंट्स किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। ड्रामा बोल रहे हो, ओवर एक्टर बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दोस कमेंट्स, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। एंड ऐसे ही आप इनके चैनल को पसंद करते रहिए और जल्दी जल्दी 50K करते हैं। और अमंकल आप क्या बोलना चाहेंगे वुमेंस डे के दिन? मैं ये बोल रहा हूँ कि हैप्पी वुमेंस डे एक दिन का नहीं होता है, हमेशा के लिए हम जो लड़के हैं उनका सम्मान उचित करना चाहिए, तो हर एक दिन के लिए आप हैप्पी वुमेंस डे बोलिए। ये बात तो सही है, मतलब मैंने भी आपको ऐसा स्टार्ट में बोला कि बस एक दिन का ऐसा नहीं रहता है वुमेंस डे, हर दिन 365 डेज कंटिन्यूस आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए उनका, और उनको बोलते ना पैम्पर करना चाहिए, स्पेशल फील कराना चाहिए, और मोस्टली रिस्पेक्ट, उनका रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। तो बस यही था इस वीडियो में, एक छोटा सा सेलिब्रेशन वुमेंस डे के लिए, अपने घर के वुमन को थोड़ा स्पेशल फील कराने के लिए। और फाइनली मम्मी भड़के नहीं मैंने मेरे गिफ्ट देने पे, तो वो बहुत अच्छा था। और आप कमेंट करके बताइए कि आपने क्या किया इस वुमेंस डे पे, और आपके लिए क्या किया किसी ने। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताइए क्या अच्छा था क्या बुरा था, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से 50K कर दीजिए, क्योंकि आई डोंट नो अंकित कुछ प्लान कर रहा है 50K पे, मुझे खुद नहीं पता, मुझे बता नहीं रहा है, वो बोल रहा है 50K के बाद ही डिस्क्लोज करेगा वो, तो एंग्जाइटी हो रही है मुझे अब तो, इसलिए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने को, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मेरा हैंडल इधर का फ्लैश हो रहा रहेगा अभी, और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी हैप्पी।